तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और जैसे कि हम सब जानते हैं, सोनी वालों ने फाइनली प्ले स्टेशन 5 को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। नो डाउट कंसोल काफ़ी कमाल का है। कंसोल के साथ आपको काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्त, इतने कमाल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की वजह से हर साल की जनरेशन की तरह ये कंसोल भी काफ़ी महंगा होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई, ऐसा आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नहीं है। अब देखो, हाँ भाई, ये बात अलग है कि कंपनी वालों ने अभी तक इस फ़ोन की प्राइसिंग को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने स्क्रीनशॉट को देख पा रहे हो, हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि प्लेस्टेशन 5 के लिए आप लोगों को अपनी किडनी बेचने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपके गुर्दों से भी काम चल जाए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सब इस प्राइसिंग के बारे में ही बातें करने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये बात जाननी है कि प्लेस्टेशन 5 आपके बजट में आने वाला है या फिर नहीं आएगा, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखते रहना। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो भाई, आपका 2 मिनट भी टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हम सब प्लेस्टेशन 5 के रिव्यू या फिर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बातें नहीं करने वाले, क्योंकि उसके बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने वैसे वीडियो बना रखी है। आप लोग जाके ऑफकोर्स चैनल चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी कमाल की वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर जिस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, वो है इस कंसोल की प्राइसिंग। और जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, लगभग एक हफ्ते पहले जब इस कंसोल को ऑफिशियली अनवील किया गया था, तो उस टाइम यहाँ पे लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे थे कि ये कंसोल आपको कॉस्ट करने वाला है लगभग $700 से $800। और उसे अगर कन्वर्ट करके बताऊं और प्लस टैक्सेस वगैरह अगर आप लोग और ऐड कर लेते हो तो। लेकिन हाँ दोस्त, जैसे कि हम सब जानते हैं, सोनी इतना बेवकूफ नहीं है। वो बात बेशक अलग है कि कंसोल काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे आपको काफी कमाल की चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई, ये बात मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद सोचो कि 80,000 रुपए का अगर कोई बंदा पीसी बिल्ड करता है, तो वहां पे आपको प्लेस्टेशन 5 से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, तो फिर यहाँ पे कोई 80,000 रुपए का कंसोल क्यों लेगा। और रही बात उन लीक्स और रूमर्स की, जो कि इस बात को क्लेम कर रहे थे कि प्लेस्टेशन 5 आपको $800 या फिर $700 से सस्ता देखने को नहीं मिलने वाला, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा पहले भी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने कर रखा है कि लॉन्च से किसी भी प्रोडक्ट के पहले यहाँ पे काफी सारे लीक्स और रूमर्स निकल के आते हैं कि ये प्रोडक्ट काफी महंगा होने वाला है। और लॉन्च के टाइम पे कंपनी काफी लोगों को हैरान करके काफी सस्ते प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो अगेन भाई, पर्सनली मेरे ख्याल से सोनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जब वो नवंबर 2020 के अंदर प्लेस्टेशन 5 को ऑफिशियली अनवील करेगी प्राइसिंग के साथ, तो उस टाइम ये काफी सारे लोगों को हैरान करके प्लेस्टेशन 5 की प्राइसिंग को काफी अफोर्डेबल रखने वाली है। और जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, इवन भाई यहाँ पे यूके के अंदर एक बंदे ने, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, प्लेस्टेशन 5 की अमेजोन लिस्टिंग की एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखी हुई है, जिससे हमें ये बात मालूम चलती है कि यहाँ पे जो सीडी वाला वर्जन है प्लेस्टेशन 5 का, जहाँ पे आप लोगों को फिजिकल डिस्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वो आपको कॉस्ट करने वाला है लगभग $499 का। नो डाउट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्पेशल एडिशन हो या फिर 2 TB वाला प्लेस्टेशन 5 का ही कोई एडिशन हो जो कि आपको $600 से $700 का कॉस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बेस वेरिएंट जो कि इस कंसोल का होने वाला है, वो आपको $500 से सस्ता ही कॉस्ट करेगा। ये बात मैं आपको फिलहाल लिखित में दे सकता हूं। लेकिन हाँ दोस्त, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग $500 को 72-73 रुपए से मल्टीप्लाई करके ये सोचने लग जाओ कि ये कंसोल आपको इंडिया के अंदर 35,000 रुपए का लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। भाई, ये बात सोचने की गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बात आप लोग भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि प्लेस्टेशन 4 जब इंडिया के अंदर ऑफिशियली अनवील किया गया था, तो उस टाइम पे इस कंसोल की प्राइसिंग थी ₹40,000। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लेस्टेशन 5 इंडिया के अंदर आपको 35-37 हज़ार रुपए का देखने को मिल जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्ट्स के टैक्स ऐड होते देखने को मिल जाएंगे इस कंसोल की ऑफिशियल प्राइसिंग में। तो मेरे ख्याल से इस कंसोल का जो बेस वेरिएंट है, वो आपको इंडिया के अंदर बड़े आराम से, फिजिकल डीवीडी वाली की बात कर रहा हूँ, ₹50,000 तो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो नॉन डिस्क वाला एडिशन है प्लेस्टेशन 5 का, जो कि यहाँ पे $100 कम कॉस्ट कर रहा है, वो आपको 40-45 हज़ार रुपये का इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। और भाई, पर्सनली मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सोनी वाले इन कंसोल्स की कीमत इंडिया के अंदर नहीं रखने वाले। और हाँ भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी सोनी की इस आने वाले प्लेस्टेशन 5 की। अब वैसे अब यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल है इस कंसोल के बारे में, भाई सारी चीज़ें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आपके ख्याल से प्लेस्टेशन 5 की प्राइसिंग इंडिया में क्या होने वाली है, सो डैट आप लोग जाके इस कंसोल को परचेज कर पाओ, भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ भाई, बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के। और चलो फिर, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।